तो फ्रेंड्स, लिटिल हेल्प फॉर बेटर लाइफ के साथ आपका मेजबान, आपका दोस्त चौधरी फवाद जट। और नाज़िम, मैं आज अपनी एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने लगा हूँ। काफ़ी टाइम से मैं परेशान हो गया था। आप देख सकते हैं मेरे कप में मेरी इतनी गाड़ी खड़ी है। और लास्ट टाइम भी मैं भाई के पास आया था, ब्लॉग आपका जो है इसका थंबनेल में डाल दूंगा, ये आप देख सकते हैं मैं कहाँ खड़ा हूँ। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। हैदराबाद ऑटोज पे खड़ा हूँ, जो कि कब्रिस्तान है। बिल्कुल सामने मेरे पहलवान गोड़ का कब्रिस्तान है, उसके जस्ट अपोजिट है ये शॉप इनकी। और लास्ट टाइम भी मैंने इनसे एक स्पेयर पार्ट भी खरीदा था, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आया। मैं काफ़ी दिन से परेशान था। आपको पता है कि मेरा सोशल वर्क होता है, कभी भी कहीं भी जाना पड़ जाता है ना, तो कोई सामान लेके मुझे जाना पड़ जाता है, तो मैं ज़ाहिर है फिर ये गाड़ी इस्तेमाल करता हूँ। ये तीन बच्चे की शादी वगैरह के लिए कभी सिलाई मशीन लेनी है, कोई वाटर कूलर छोड़ना है, या कहीं मस्जिद की दरियाँ वगैरह लेके जानी है वगैरह वगैरह। मेरी जो गाड़ी उसकी जब मैं कटिंग कर रहा था तो स्टेयरिंग के अंदर से आवाज़ें आ रही थी, तो जो काफ़ी मैकेनिक्स को दिखाया तो वो अफसोस हो रहा है मुझे कि किसी ने मुझे 10,000 का काम बता दिया, किसी ने 8,000 का काम बता दिया, किसी ने 15,000, किसी ने 25,000। मैं बड़ा परेशान रहा क्योंकि सर हम भी सैलरी पेड हैं, तो हाउ कैन वी मैनेज। एक दोस्त है मेरे जिन्होंने ये गाड़ी दिलाने में भी मेरी बड़ी मदद की है, मुस्तफ़ा भाई इनका नाम है। उन्होंने मुझे बोला कि जहाँ आप गए थे ना लास्ट टाइम, आप वहाँ चले हो दोबारा। उनका काम ही यही है स्टीयरिंग का। लेकिन मैंने, मैं इनके पास आया, इन्होंने हल्का सा नीचे लेटे गत्ता रखे और स्क्रू कोई लूज था। इस बंदे ने खुदा की कसम अपनी मजदूरी भी नहीं मुझसे मांगी। अब यार मैं क्या कहूँ उन लोगों को कि जिन्होंने मुझे 10,000, 20,000 और 25,000 तक मुझे काम बताया और होना आना कुछ नहीं था। मुझे ये कहने लगे गाड़ी छोड़ के आप चले हैं, तो गाड़ी में छोड़ के नहीं जाऊँगा, आप मेरे सामने काम करो। लेकिन यार आप यकीन मानो कि इस बंदे ने मुझसे अपनी मजदूरी भी नहीं मांगी। ठीक है, मैं आपको उसकी जो है दुकान का जो नाम है वो भी बताऊंगा। मैं आज रिकमेंड करूंगा इस बंदे का कि यार आप यहाँ पर आएँ और आके ना आँख बंद करके इस आदमी से काम करवाएं। ये बंदा अपनी सिर्फ जो जायज़ मजदूरी होता है ना वो लेता है। ये स्पेयर पार्ट का भी काम करते हैं, इनका व्लॉग में इधर डाल दूंगा, आप देख सकते हैं कि ये किस किस्म का ये काम, मतलब ये क्या किन गाड़ियों का ये काम करते हैं। सस्पेंशन का भी काम करते हैं और आज तक मेरे सस्पेंशन में आवाज़ नहीं आई। अब जिन जिन्होंने मुझे बोला उन्होंने बहुत गलत गलतफहमी से काम नहीं लेना, उनको हिदायत दी। अब ये देखें ये मेरे स्टेयरिंग का काम हो रहा है। ठीक है, इस बंदे से मैंने आके मजदूरी पूछी इसकी ना कि यार ये क्या मजदूरी है, किसके अंदर से आवाज़ें आ रही हैं। कोई वॉशर मेरा ख्याल डलेगी तो उसने कहा मिला के ना कोई 500 या 600 का खर्चा आएगा। और मुझे दूसरी जगह से, मतलब बड़े हाई फाई मुझे बोलते रहे, किसी ने मुझे जो है वो 5,000 का, किसी ने 7,000 का। ये चाहता ये भी बंदा मुझे कर सकता था। इतने दिनों से मैं परेशान था, काफ़ी टाइम से मैं परेशान था, लेकिन इस बंदे ने अपनी जायज़ मजदूरी बताई मुझे। और इसने अभी अपने मैकेनिक को जो है वो लगाया है, अब वो मेरा स्टेयरिंग खोला हुआ है, उन्होंने ये पाइप निकाल रहे हैं मेरा। ये इनकी शॉप का नाम है, ये आप देख सकते हैं। आँख बंद करके आएँ यहाँ पर, और मैं आज रिकमेंड करूँगा पर्सनली आपको यहाँ पर आएँ और इसका आराम से जो है वो अपना जायज़ काम जो है वो करें। इन्होंने मुझे कहा है कि घंटा डेढ़ लगेगा, ये इंशाल्लाह काम आपके तसल्ली बख्शम करके देंगे। हमारे चैनल लिटिल हेल्प फॉर बेटर लाइफ को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद जो है वो इंफॉर्मेशन से आगाह किया जाए। बहुत शुक्रिया।